संख्या 293। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड एक, क्या यह सही है कि जी हाँ नगर परिषद ब्यावर द्वारा साकेत कॉलोनी ग्राम नया नगर के खसरा नंबर 1762/2 में पत्रकारों को आवासीय प्लाट दिए जाने के संबंध में विभाग के पत्र प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं, जिनको विभागीय स्तर पर समुचित परीक्षण किए जाने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खंड दो, इस भाग का उत्तर भाग संख्या एक के उत्तर में निहित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि खसरा नंबर 1762/2 में पिछले 4 साल से नगर परिषद ने साधारण सभा से सर्वसम्मति से पास करके और पत्रकारों को प्लॉट निःशुल्क देने के लिए DFLE को फाइल भेज रखी है। 4 साल में अब ये कब तक इनको पट्टे मिल जाएंगे DFLE से निकलवा करके, वो बता दो आप। पूर्व में प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर 1075/3 की भूमि के संबंध में एक प्रकरण न्यायिक विवाद का अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। माननीय प्रताप सिंह जी, मैं जगह बदलने के लिए बोलूंगा, रोज की बात। मैं और पीछे कर देता हूँ आपकी जगह आगे नहीं दी बैठे आप, ये मेरा काम नहीं है, अपने पार्टी के विपक्ष से बात करें, वो पीछे भेज देंगे मेरे कहने से। दोबारा पढ़ देता हूँ, पूर्व में प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर 1075/3 की भूमि के संबंध में एक प्रकरण न्यायिक विवाद का अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। परिषद द्वारा 12 अन्य आवंटियों को जारी लीज डीड जमा करवा करके नवीन सर्जित कॉलोनी खसरा नंबर 1762/2 को इनको लीज डीड जारी करने और शेष पत्रकारों के नियमानुसार लॉटरी निकाले जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में परिषद के प्रस्ताव का समुचित विधिक परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन न्यायिक जांच में पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ न्यायिक जांच में नहीं DLV में ही पड़ा हुआ है, और उससे आप चाहें जब कब तक मिल जाएगा, उन पत्रकार इंतजार ही कर रहे हैं, ये बता दो आप। तो अब प्रस्ताव तो आपका DLV में ही पड़ा हुआ है, 4 साल से इंतजार, लेकिन मामला न्यायालय में उलझा हुआ है। अगला प्रश्न श्री